दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर करना है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में फेस करेंगे। तो पहले हम यहां देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास क्रोमटोन कंपनी का 9 वाट का एलईडी बल्ब है, इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें यह जानना ज़रूरी है कि इसमें प्रॉब्लम कौन सा आया है। तो हम लोग ये वाला बल्ब को पहले रिपेयर करेंगे, उसके बाद ये वाला बल्ब को रिपेयर करेंगे। तो पहले ये बल्ब को हम लोग बल्ब के होल्डर में सबसे पहले लगा के देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आया है। तो सबसे पहले हमको इस तरह से इसको लगा के देखना है। सबसे पहले हमको बटन को ऑफ के स्थिति में रख देना है, उसके बाद इसको हम लोग लाइन में लगा के देखते हैं और बटन को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये बल्ब का कुछ भी हिस्सा नहीं जल रहा है। उसके बाद अगला स्टेप आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो ये जो ऊपर का डिफ्यूज़र है, इसको आपको इस तरह से निकाल लेना है। ये बिल्कुल आसानी से ऐसे करेंगे तो निकल जाता है। तो इसके बाद अब हमें इसको लाइन में लगाना है। दोस्तों यहाँ पे इसमें ध्यान रखना यह ज़रूरी है क्योंकि यह एसी करंट है और ये तगड़ा से करंट लगता है, तो आपको सावधानी से काम लेना है, सेफ्टी से काम लेना है। तो इसको अब हम इस लाइन में लगा के देखेंगे और बटन को ऑन करके देखते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सबसे पहले इसको देखना ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है ये हल्का सा जल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर हल्का सा जल रहा है, फिर बंद हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 9 एलईडी हैं, 9 एलईडी लगे हुए हैं। तो यहाँ जो ये वाला एलईडी है, ये वाला एलईडी नहीं जल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, यहाँ पास जो एलईडी है ये नहीं जल रहा है, मतलब कि ये वाला हमारा एलईडी ख़राब हो चुका है। तो इसको हमें रिपेयर करना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना है आपको कि 9 वाट के एलईडी में टोटल 9 एलईडी लगे होते हैं। तो यहाँ पास जो एलईडी लगा था इसको आपस में शॉर्ट कर दिया गया है, इसमें सोल्डरिंग कर दिया गया है। यहाँ पास आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पास जो एलईडी लगा था ये पहले भी एक बार रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा इसको भी शॉर्ट करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 2-4 दिन के बाद ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला एलईडी और ये वाला एलईडी को ना बदल कर हम लोग सीधा नया वाला ये वाला एलईडी को यूज़ करेंगे। ये वाला एलईडी को यूज़ करने से हम लोग देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये जो ब्लिंक वाला प्रॉब्लम होता है, इसकी जगह आप इसको डायरेक्ट नया एलईडी का प्लेट पूरा यूज़ करेंगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 1 साल या 2 साल आराम से चल जाएगा। तो हम लोग उसके बदले में सीधा इसको यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग इसके बदले में सीधा ये वाला प्लेट का यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम इसको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको पहले निकालेंगे। तो इसको आपको निकालना कैसे है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बटन को ऑफ करना है और इस एलईडी बल्ब को यहाँ से निकाल लेना है। अब इसका ये जो एलईडी वाला प्लेट है, यहाँ पे 2 वायर लगा हुआ है, एक रेड और एक ब्लैक का लगा हुआ है। तो इसको हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग नया वाला प्लेट में इसको लगाएंगे। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह से सोल्डरिंग आयरन की सहायता से ये वाला एलईडी वाला पूरा प्लेट को हम लोग निकाल चुके हैं। और इसके बदले में हम लोग यहाँ पे जो नया वाला एलईडी रखाया हुआ है, ये वाला एलईडी इसको लगाएंगे। तो इसको सब लगाने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो आपको इस दोनों को ध्यान देना है कि कौन सा वाला प्लस है और कौन सा वाला माइनस है। यहाँ पे 2 वायर निकले हुए हैं, आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो रेड वाला है ये हमेशा प्लस होता है और ब्लैक वाला हमेशा माइनस होता है। आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में कहीं भी जाएंगे तो हमेशा रेड वाला फेस और ब्लैक वाला माइनस के तौर पर यूज़ होता है डीसी करंट में। तो हम लोग इसको इसके जगह पे इसको लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ इस तरह से रख देते हैं और यहाँ पे जो 2 वायर है, इस दोनों वायर को
इसके बीच में इस तरह से हमें डालना है। अब दोस्तों क्या करना है हमको कि ये जो हमारा प्लस का वायर है इसमें हमें लाल के वायर को इसमें सोल्डरिंग करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सोल्डरिंग है ये लाल के वायर को हम लोग पॉजिटिव में और ब्लैक के वायर को नेगेटिव में इस तरीके से लगा दिए हैं। इसको टेस्ट करेंगे तो हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए फिर वही वाला बोर्ड का यूज़ करेंगे और हम इसमें एलईडी को लगा के देखते हैं कि ये जो हमारा जो बल्ब हम लोग बनाए हैं ये बिल्कुल सही बना है या नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा एलईडी है एलईडी बल्ब है ये पूरी तरीके से सही बन चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये बन चुका है। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये एलईडी पूरी तरह से ग्लो कर रहा है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो साइड साइड में ये जो पत्ती लगा हुआ है इसको हम लोग इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसको पूरी तरीके से पैक कर देंगे और डिफ्यूज़र को हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। तो इस तरीके से लगने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा एलईडी पूरी तरीके से बन चुका है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको एलईडी रिपेयरिंग करने में कुछ भी परेशानी हो रहा है तो हमें नीचे में कमेंट करें, हम आपकी पूरी सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।